नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंदौरी YTV। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार गेम प्ले ऑफ साइफर। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो साइफर है वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग हीरो है, जिसके टेक्निकल एबिलिटी से आप बंदों को स्कैन कर सकते हो और जिसका अल्टीमेट एबिलिटी इतना खतरनाक है कि आप अपोनेंट की सारी टीम के जेट पैक, उनका हेल्थ और उनके एबिलिटीज़ को हैक कर सकते हैं। मतलब कुछ समय के लिए वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है आपकी टीम के लिए जब आप ओपोनेंट टीम पर पुश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैच में मैं खेल रहा हूँ डुअर से स्क्वाड अपने दोस्त रावण के साथ में। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों जुपिटर मिल जाती है और एक मिल जाती है यूजी, जो कि एक एसएमजी है। और आप सभी को पता है साइफर का जो पैसिव एबिलिटी है उसमें आपको रिलोडिंग स्पीड बढ़ जाता है एसएमजी गन्स का। तो जब भी आप साइफर यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक एसएमजी आपके पास हो, क्योंकि एसएमजी का रिलोडिंग स्पीड साइफर लेने से काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग मेरी और रावण की लूट लगभग कंप्लीट हो जाती है और अब होता है मौका बंदों को ढूंढ के उनको मारने का। तो दोस्तों लूट करते करते हमको यहाँ पर आते हैं कुछ फुटस्टेप, और जैसे ही फुटस्टेप आते हैं मैं अपना टेक्टिकल यूज़ करता हूँ और बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। पर मैं स्पॉट करके उसको जब तक मारने की कोशिश करता हूँ, रावण घुस के उस बंदे को नॉकआउट कर देता है। यहाँ पे दोस्तों गन साउंड आता है और मैं पुश कर देता हूँ डायरेक्ट। आप सभी को पता है दोस्तों जो एक अच्छा मैगी प्लेयर होता है, जो वो जब अल्टीमेट यूज करता है तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे और रावण के साथ भी यही हुआ, इस मैगी प्लेयर ने हमको काफी दौड़ाया। दोस्तों इस मैगी का पीछा करते करते मुझे कुछ और फुट स्टेप आते हैं, तो मैं उस हीरो को मारने चले जाता हूं और रावण ब्रो उस मैगी से फाइट लेते लेते नॉक हो जाते हैं। यहां पर साइफर वर्सेस साइफर हो जाता है, मैं साइफर को नॉक कर देता हूं। अब बारी थी इस मैगी को मजा चखाने की। यहाँ पे दोस्तों मैगी को मैं नॉक कर देता हूँ, रावण प्रो को मैं फटाफट से रिवाइव करता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं जोन में और काफी प्लेयर्स हमको मिलते हैं जिनको हम वन बाय वन नॉक करते जाते हैं। दोस्तों थर्ड पार्टी करना किसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी करने में हमें फ्री के काफ़ी किल्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओपन में फाइट हो रही थी, मैं कुछ किल्स निकालने की कोशिश करता हूँ और रॉकेट टोरेंटोला यूज़ करता हूँ, पर एक बंदा मुझे इतना खतरनाक स्प्रे मारता है कि मुझे रॉकेट टोरेंटोला से नीचे उतरना पड़ता है और उस बंदे का मैं आने का इंतजार करता हूँ ताकि मैं उससे फाइट ले सकूँ। तो दोस्तों मैं इस बंदे को मार देता हूं और मारने के बाद मैं इसकी क्रेट लूट करता हूं। जैसे ही मैं क्रेट को लूट करता हूं, इसके टीममेट का बैकअप फायर वहां से मिलता है और मुझे कवर में जाना पड़ता है और वैसे ही जोन आ जाता है। तो रावण और मैं डिसाइड करते हैं कि यहां से निकला जाए और इन बंदों को हम बाद में निपटते हैं, इनसे फाइट लेते हैं। दोस्तों हम लोग जोन में जाते हैं तो यही टीम हमको रिवर क्रॉस करते हुए मिलती है, तो वहां पर हम इनके एक टीममेट को मार देते हैं, बाकी कुछ बच जाते हैं जिनको हम बाद में मारते हैं। तो दोस्तों इस टीम को हम पूरा फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद एक दो बंदे हमको यहाँ मिलते हैं जिनको हम फिनिश करते हैं और उसके बाद हमको एक पूरी फुल टीम मिलती है जो कि मुझे काफ़ी डैमेज दे देती है। यहाँ पर मैं अपना अल्टीमेट यूज़ करता हूँ और जैसे ही अल्टीमेट यूज़ करता हूँ, राउंड ब्रो पूरी टीम को एलिमिनेट कर देते हैं। अब दोस्तों सिर्फ एक प्लेयर बचता है जो कि होता है मैगी प्लेयर, जिसको फिनिश करके हम लोग मैच जीतने की कोशिश करते हैं। तो
तो दोस्तों इस मैगी को मारने के बाद दोस्तों हम लोग फाइनली मैच जीत जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैच और ये गेम प्ले खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे और भी वीडियोज आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।